तो आज की क्लास में, आज की क्लास क्लास नहीं है बल्कि एक इंटरव्यू है, ठीक है? इंटरव्यू है और आज हम जानेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या याद किया है, क्या क्या याद नहीं किया है, ठीक है? यही सब कुछ आज जानेंगे हम, ठीक है? थोड़ा सा आपका इंटरव्यू रहेगा, बस कुछ सवाल रहेंगे, कुछ मीठे मीठे और कुछ तीखे तीखे। हाँ भाई, मैं बोला था कोई मिसिंग है, देखिए शायद भाई थे। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है? तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हम शुरू करते हैं सबसे पहले, हम शुरू करते हैं शाहिद भाई से। पिछले इंटरव्यू में शाहिद भाई रह गए थे, जरा शाहिद भाई सामने आइए, जरा आप आ सकते हो तो, ठीक है? ये हमारे शाहिद भाई हैं और इनसे हम पूछने वाले हैं, क्योंकि हमने बेसिक पढ़ाया शुरू में, फिर पूरा चार्जिंग का पूरा चैप्टर पढ़ाया, सारा मीडियाटेक, क्वालकॉम, सैमसंग, बीक्यू सब। उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया है जो अब इस हफ्ते में, मतलब इन 2-4 दिनों में, वो आपको पढ़ाया हमने एलसीडी ग्राफिक्स के बारे में, एलईडी के बारे में, ठीक है? एलईडी लाइट ग्राफिक के बारे में, और हमने आपको पढ़ाया 6 पिन की लाइट आईसी या फिर 12 पिन की लाइट आईसी, ठीक है? यानी डिस्प्ले का पूरा प्रोसेस जो है वो हमने आपको पढ़ाया है, ओके? तो जो हमने पढ़ाया है इस हफ्ते में, इसी में से हम आपसे सवाल करेंगे, ठीक है? आप उसका जवाब दीजिएगा और थोड़ा जोर से बोलिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आवाज थोड़ी कम आती है, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल है हमारा शाहिद भाई से। शाहिद भाई, ये बताइएगा कि मेरे फोन में एलसीडी डिस्प्ले लगी हुई है, ठीक है? एलईडी नहीं है, एलसीडी है, ठीक है? उसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे क्या चेक करना होगा? स्टेप बाय स्टेप जरा आप बता दें। एलसीडी लगी है सर, तो उसमें सबसे पहले हम इसको वोल्टर का पत्ता उसमें लगाएंगे बोर्ड में, उसमें वोल्टेज चेक करेंगे, वीरियस वोल्टेज 1.8 वोल्टेज निकल रही है नहीं सबसे ठीक है, बहुत पहले। उसके बाद वहां पे जो सिग्नल की लाइंस होती है उस पे जीआर चेक करेंगे, MIPI इंटरफेस जो सिग्नल की लाइन होती है, MIPI। हाँ ठीक है, वो चेक करेंगे, उस पे जीआर चेक करेंगे, अगर वहां से सब ओके है तो, अगर ठीक है, अगर ओके नहीं है तो सिनेस्टिक खोलकर उसका वो देखेंगे कहाँ तक जा रही है उसकी लाइन, उस लाइन में लगे रजिस्टर जो होते हैं उसको चेक करेंगे। मतलब लाइंस में अगर कोई कंपोनेंट लगे हैं तो उनको हम क्या है चेक कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी स्टेप थी, तो चौथी स्टेप में बताइए हम क्या चेक करेंगे जरा आप। चौथी चौथे स्टेप में हम उसको चेक करेंगे। अगर कुछ जहन में ना भी हो तो आप नोटबुक का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें एकदम से जहन में नहीं आ सकती हैं, ठीक है? पहली पहली बार आपको पढ़ाया है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? आपको बताना चाहिए, ठीक है? बताइए शायद भाई। चौथे स्टेप में हम उसे चेक करेंगे सर, रीसेट की लाइन, चौथे चौथे स्टेप में हम क्या चेक करेंगे? एलसीडी ग्राफिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, एलसीडी ग्राफिक्स, ठीक है? तो एलसीडी ग्राफिक में हम चौथे स्टेप में क्या चेक करेंगे? चौथे स्टेप में सर उसको रीसेट की लाइन चेक करेंगे सर। एलसीडी ग्राफिक में हमने बताया था, आप भूल रहे हैं शायद भाई, एलसीडी ग्राफिक्स में हमने चौथे स्टेप में बताया था आपको +5 -5 की लाइंस को चेक करना है, ठीक है? बी एस पी और बी एस एन, ठीक है? हाँ, चौथे स्टेप में आपको क्या है, +5 और -5 की लाइंस को चेक करना है, ठीक है? खैर बहरहाल आपने अच्छा बताया, ठीक है? हाँ अच्छा बताया बहरहाल आपने, इतना काफी है कि आपने बगैर नोटबुक के देखे अपने जहन में इतना रखा इतनी जल्दी कम टाइम में, तो काफी अच्छा आपसे हमें रिजल्ट मिला है, ओके? आप मेहनत कर रहे हैं शायद भाई, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, ठीक है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सतीश भाई जरा सामने आइए, सतीश भाई से हम पूछते हैं अपने।
हमारे क्षितिज भाई ये हैं, देखिए अब इनसे हम पता करेंगे कुछ चीजों के बारे में। क्षितिज भाई जरा थोड़ा सा हमें अगर आप बता सकें, अगर आपने लिखा है या आपने समझा है तो थोड़ा सा फर्क अगर आप बता सकें। पहला सवाल आपसे यह है कि एलसीडी और एलईडी इन दोनों में क्या फर्क होता है? एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले जो होती हैं इन दोनों में क्या फर्क होता है? ठीक है, थोड़ा सा ये बता दीजिए सतीश भाई। ठीक है, बोलिए सतीश भाई, अपना माइक खोल लीजिए, माइक आपका माइक बंद है। एलईडी डिस्प्ले में डिस्प्ले और ग्राफिक्स और लाइट एक साथ में रहता है सर, एलसीडी में अलग अलग रहता है। ठीक है, एलसीडी में अलग लाइट अलग से और ग्राफिक अलग से मिलता। ठीक है, हाँ ठीक है। वाकई हमने बताया था कि जो एलईडी डिस्प्ले होती है वो एलसीडी से थोड़ी सी चेंज होती है। ये क्या है, ओ एलईडी डिस्प्ले होती है। क्या होती है? ओ एलईडी डिस्प्ले होती है, या इसे हम जो है वो एमोलेड डिस्प्ले भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ग्राफिक्स और लाइट एक साथ रहती है। ठीक है सतीश भाई, आपसे ही दूसरा सवाल हम करेंगे। ठीक है, आपसे ही हमारा दूसरा सवाल है, वो ये है सतीश भाई, आप वैसे भी बता सकते हैं, नोटबुक का सहारा लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं आप इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है कि इतनी जल्दी इसके दिमाग में सारी चीजें लिख जाएं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो सतीश भाई, मेरे पास एक फोन है जिसमें 6 पिन की लाइट आईसी लगी हुई है, 6 पिन की लाइट आईसी लगी हुई है। ठीक है, उसमें लाइट नहीं आ रही है, मैंने चेक किया, ग्राफिक्स आ रहे हैं ठीक है, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। ओके, 6 पिन की लाइट आईसी लगी है, उसमें लाइट नहीं आ रही है, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या चेक करना होगा उसका लाइट सेक्शन को सही करने के लिए, बताइए जरा सतीश भाई। पहले इसमें एनोड लाइन का जीआर चेक करते हैं सर, उसके बाद इसमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं देखेंगे, उसके बाद कैथोड लाइन और डायोड बूस्ट कॉइल वो सारे होने के बाद फीडबैक लाइन चेक करेंगे। हेलो, हाँ ठीक है सतीश भाई, आपने बताया कि उसके बाद क्या चेक करेंगे, कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन में एक रेजिस्टर लाइक करना सर, पावर एसी से आता पीएमडब्ल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले सतीश भाई ने बताया कि हम चेक करेंगे एलईडी एनोड लाइन, फिर एलईडी कैथोड लाइन, इन दोनों लाइनों को हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है बताया, हाँ डायोड चेक करेंगे, हाँ रेक्टिफाई डायोड को हम चेक करेंगे। ओके ओके ठीक है सतीश भाई, आपने उसके बाद बूस्ट कॉइल को चेक करेंगे। ठीक है ओके, जरा मुझे आप में से कोई भी एक शख्स ये बताए कि मैंने अपने डायोड पे जो मेरा रेक्टिफाई डायोड लगा रहता है डिस्प्ले सेक्शन में, लाइट सेक्शन में, उसमें मुझे बताइए कि उसमें वोल्टेज मुझे जो हमारे 15 से 18 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जो डिस्प्ले को होती है, ठीक है, वो कब मिलेंगे, कब मुझे चेक करने हैं, ऑन फोन में मिलेंगे या, हाँ ऑन में मिलेंगे या ऑफ में मिलेंगे, वो बताइए सतीश भाई। ऑन में मिलेगा, ऑन में मिलेगा, ऑन में मिलेगा। ठीक है ठीक है, एक हाँ ठीक है ठीक है, तो एक साइड क्या है बीपीएच मिलेगा, और दूसरी वाली साइड यानी कैथोड साइड जो है वो डायोड की, वहां पे क्या है 15 से 18 वोल्ट की समथिंग जो रिक्वायरमेंट है वो मिलेगा। ठीक है सतीश भाई, आपने बताया, ठीक है अच्छी बात है। फयाज नासिर, फयाज नासिर मुझे बताइए, एक लाइन होती है डिस्प्ले सेक्शन में जिसे पीडब्ल्यूएम बोला जाता है, पीडब्ल्यूएम, ठीक है, इस पीडब्ल्यूएम लाइन का क्या काम होता है? स्विचिंग, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही बता रहे हैं। पीडब्ल्यूएम क्या है, ये लाइन जब मिलती है यानी ये ग्रीन सिग्नल के तौर पे कह रहे हैं, ये पावर आईसी से मिलती है, लाइट आईसी को जब मिलेगी तभी क्या है इसमें स्विचिंग चालू होगी, और आईसी उस 4.2 वोल्टेज को 17-18 वोल्टेज के समथिंग करने में बूस्ट कॉइल और डायोड से मिलके क्या है पूरा प्रोसेस होगा, फिर उसको वोल्टेज को बूस्ट करने में क्या है सक्सेस हो पाएगी। ठीक है ठीक है, अच्छा बताइए 12 पिन की अगर बैक लाइट आईसी लगी हुई है, ठीक है, तो उसमें मेरे फोन में लाइट नहीं आ रही है, उसमें 12 पिन की लाइट आईसी लगी है, ठीक है, आप में से कोई भी बता सकता है, लेकिन एक ही बंदा बताए, ठीक है, उसमें मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या चेक करना होगा, पहले क्या, दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे क्या, ठीक है।
आप में से कोई भी बता दे, ठीक है बताइए। बीपीएच पावर चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, बीपीएच पावर चेक करना होगा, फिर उसके बाद में जो है तो उसके एनोड लाइन कैथोड लाइन वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में उसमें सिग्नल जो सीपीयू से सिग्नल मिलते एचसीएल और एसडीए वो सिग्नल चेक करना पड़ेगी। और उसके बाद में कॉइल चेक करना पड़ेंगे सर, कॉइल चेक करना है, ठीक है रेक्टिफाइड है वो। चलिए खैर आपने बताया तो सही है, लेकिन जो स्टेप है वो आपने कोई ऊपर तो कोई नीचे कर दी है। बहरहाल थोड़ा सा एक बार और उसको पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सही हो जाए। आपका थोड़ा सेटअप ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी आपने सही बताया, जो चेक करना है वो आपने सही बताया है। बहरहाल चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी का जो है आप लोग जो है वो हाँ ठीक है, तो बाकी का आपने सही बताया है, आप लोगों से हमने थोड़ा थोड़ा सबसे पता किया है, और इसलिए हम ऐसे क्या है ये रिजल्ट हम चेक करते हैं कि आपने कुछ याद किया है या नहीं।